एफआरयू होने जा रहा है क्योंकि वेस्टीज मैं विनिंग टीम के साथ बिल्ड कर रही हूँ। एसपी बारिल सर के टीम से मैं बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है। पूरे साल में एक बढ़िया इवेंट रहती है, उसे कहते हैं एफआरयू फैमिली रीयूनियन। ये वीडियो मैं स्पेशली लेडीज़ के लिए बनाने जा रही हूँ। क्यों एफआरयू में लेडीज़ ने आना है? अरे बहुत ज़रूरी है। आज तक तो आपने बहुत सारे रीज़न दे दिए कि बच्चे छोटे हैं, घर छोड़ के नहीं आ सकते, पैसे ज़्यादा है, 2000 भी टिकट रहता था जो नो और लॉस नो प्रॉफिट पे टिकट रहता है, बहुत कम रहता है उसका टिकट। अगर 20,000 हो तो भी चले जाना चाहिए, लेकिन लेडीज़ ने बहुत बहाने बनाए। कभी कभी वो बहाने सच भी थे। मैं वो लेडीज़ को सैल्यूट करती हूँ कि इतनी सारी मुश्किलों के साथ भी वो भी बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये मौका हाथ से मत गवाइए क्योंकि लेडीज़ के लिए ये बेहतरीन मौका हाथ में आया है। क्योंकि ये एफआरयू होने जा रहा है डिजिटल। आप आपके घर वालों को संभाल के, खाना बना के, बच्चों को मैनेज करके भी आप ये 3 दिन का फंक्शन अटेंड कर सकते हो, घर वालों के साथ अटेंड कर सकते हो। और सचमुच अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ये 3 दिन आपने बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। और लेडीज़ को मैं कहती हूँ 600 रुपये के लिए ज़्यादा मत कहो। कबड़ में जो साड़ियाँ रहती है ना, जो सूट्स रहते हैं ना, उसके नीचे 500-600 तो आराम से मिल जाएंगे। तो वो अगर वहाँ पे रखने के बजाय अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ये नेक के अबाव जो बोलते हैं ना, नेक के नीचे तो बहुत खाना खिलाते हैं हम, लेकिन नेक के अबाव जो है ना, यहाँ पे अगर खाना खिलाओगे ना तो बच्चों की ज़िंदगी सवर जाएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, घर वालों के सपने पूरे हो जाएंगे। तो ज़रूर एफआरयू अटेंड करो, किसी भी बहाने की ये टाइम ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन होने जा रहा है डिजिटली। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर ले लो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो ये फैमिली रियूनियन को कतई छोड़ो ना आप, क्योंकि इससे बढ़िया मौका, ये मौका सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से मिला है। तो कोविड को अपॉर्चुनिटी समझो। जिन लोगों को आज तक एफआरयू में आने का चांस नहीं मिला था, वो डिजिटली एफआरयू में आ सकते हैं। तो लेडीज़ अगर कुछ करना चाहते हो तो ये 3 दिन का फंक्शन मत छोड़ो। और अगर एफआरयू में नहीं आ सकते तो बिजनेस छोड़ दो, वेस्टीज मत करो। अगर वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ हो और एफआरयू में नहीं हो तो आप बिजनेस छोड़ दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन क्या करें, बोलना बहुत ज़रूरी है। शायद आप एफआरयू का टिकट परचेस कर ले, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। विद दिस, थैंक यू सो मच।